एसके मरीन एक्वाटिक। और ये कहाँ है, मतलब एरिया बताइएगा। ये लालू खेत बर्ड्स मार्केट अलादम स्क्वायर। मैं देख रही हूँ ये कौन सी फिश है। ये होती है बीटा फिश, ठीक है, 1.5 से 2 इंच का। इस वक्त इसके रेट है 8,000 रुपये पर पेयर। मेरा लाइफ टाइम के ये सब नेचुरल प्लांट्स हैं, लाइव प्लांट्स रखे हैं। वैरायटी सारी वही अपने अंदर देखिए, ट्राई की। ये है सम फिल्ट्रेशन एक्वेरियम। सम फिल्ट्रेशन होता है जिसके पूरी फिल्ट्रेशन एक्वेरियम की इस टैंक के अंदर होती है, ठीक है। इसका साइज तकरीबन आपका 22 इंच का है, ठीक। इसके प्राइस है 20,000 रुपये। मैं वैसे तो 23 साल हो गए, मगर इस फील्ड में आए हुए 17 साल। यूट्यूब वाले माशाल्लाह आते हैं लड़के, और मेरा ख्याल है इसी 6 महीने में 8-10 पार्टियां आ चुकी हैं माशाल्लाह। आज पहली बार लेडीज को देख रहा हूँ, वैसे मर्द। जी हाँ, तो अब होगा हमारा कराची एक्सप्लोर। इस बार मैं मौजूद हूँ लालू खेत शरीफाबाद पर। यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की फैंसी क्वालिटी की बेहतरीन फिशेज मौजूद हैं, तो चलें इस शॉप एक्सप्लोर करते हैं। अभी बस तो इस वक्त मौजूद है हमारे पास इस शॉप के ऑनर, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या नाम है आपका? वली दली सिद्दीकी। वली भाई ये बताइएगा कि आपकी शॉप का नाम क्या है पहले तो? एसके मरीन एक्वाटिक। और ये कहाँ है, मतलब एरिया बताइएगा। ये लालू खेत बर्ड्स मार्केट अलादम स्क्वायर। अच्छा, आपके पास कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है फिशेज की? मेरे को ऑल वैरायटी मिल जाएगी आपको, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो या प्लांटेड हो, तमाम वैरायटी मिल जाएगी। 2.5 इंच का है और पेयर 1500 का इसका, ठीक है। ये है अंबर टाइट का, ये होती है कैटरा फैमिली की, ज्यादा चलती है प्लांटेड के अंदर में। अच्छा, ये इसके साइज छोटा ही रहता है? ये साइज छोटा है। कैटरा जितनी भी वैरायटी होती है तकरीबन 2 से 3 इंच का साइज होता है। कैटरा का सब नहीं होता, ये तकरीबन 2.5 से 3 इंच की होगी। और उसका जो पेयर है 500 डजन 2400, ठीक। आगे आ जाएँ, ये कहलाती है शिपिंग की, ये हमारी अपनी फार्मिंग है, ये हम लोकल ब्रीड करते हैं घरों में इसकी, ठीक है। इसके प्राइस है 500 पेयर, उसका साइज तकरीबन है 3 से 4 इंच, ठीक है। ये भी हमारी फार्मिंग है, वैसे बेसिकली ये आती है बाहर से ही है, बट इसकी हम ब्रीड करवा रहे हैं फार्म पे। ये कहलाती है रेड जूल चॉकलेट। मैं इसका साइज तकरीबन जाता है 6 इंच के ऊपर, ठीक है। इसके प्राइस हैं 800 पेयर, ठीक। और ये भी हमारी अपनी फार्मिंग। ये कहलाती है पिंक कॉन्वर्ट चॉकलेट, ये भी हमारी अपनी फार्मिंग ब्रीड है। इसका पेयर है 600, उसका भी साइज तकरीबन 2 से 2.5 इंच का है, ठीक है। ये रॉकिंग गोल्ड फिश कहलाती है, ठीक है। ये भी इम्पोर्ट है सारी जी। इसका साइज तकरीबन 3 से 4 इंच है और उसका पेयर है 4000 का जी। ये कहलाती है गोल्ड फैमिली में, ठीक। ये कहलाती है क्लाउन लोच, ये बेसिकली होती है प्लांटेड फिश। जितनी भी प्लांट्स में आपके एलगी और स्नेल्स होते हैं ग्रेवल्स के अंदर, ये सो आती है, ठीक है। इसका साइज तकरीबन 5 से 6 इंच का जाता है। अभी इसका साइज 3 इंच का है, उसके पेयर है 1500 का। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही डिपेंड करता है वैरायटी पर, हर वैरायटी की नहीं, कुछ वैरायटीज की। ये कहलाती है रेड एंड वाइट कार, इसे कहते हैं कुई फिश। ये भी हमारी फार्मिंग अपनी मेरी खुद की ब्रीड है। इसका साइज तकरीबन जाता है फिट प्लस 12 से 14 इंच, 15 इंच का भी जाता है। अभी इसका साइज है तकरीबन 2 से 2.5 इंच का, और उसका पेयर है प्राइस है 300 पेयर। अगर ये बड़ी होती तो उसकी क्या प्राइस होती तकरीबन? अगर ये 1 फिट का साइज होगा तो तकरीबन 4,500 पर पेयर। ये है गोल्ड फिश। गोल्ड फिश के यहाँ तकरीबन 7-8 वैराइटीज आती हैं। ये नॉर्मल गोल्ड फिश है, ये भी इम्पोर्टेड है, ठीक है। इसका भी साइज तकरीबन 6-7 इंच 8 इंच में चला जाता है। अभी इसका साइज 2 इंच का है, इसका पेयर है 600 रुपये, ठीक। ये भी हमारी सारी फार्मिंग है, दोनों वैरायटी सेम है। ये कहलाती है शिपिंग के, इसका भी साइज तकरीबन 12 इंच 14 इंच का होता है। अभी इसका साइज तकरीबन 2 इंच का है, इसका पेयर है शिपिंग किंग है। इसी तरह ये भी वैरायटी उसी की शिपिंग की होती है, लेकिन ये कार्ब होती है, थोड़ा सा इसमें ब्रीड का फर्क होता है। ये भी तकरीबन 18 इंच पे चली जाती है साइज। अभी इसका साइज तकरीबन है 5 इंच और उसके रेट है 500 का पर पेयर, ठीक। ये है कुली लोच, ये भी प्लांटेड फिश होती है, लेकिन ये तो सांप जैसी दिखती है। हाँ, इसे कहते हैं, मतलब वो जिसको नहीं पता तो कहेगा स्नेक फिश, बट ये कहती है लोचेस। जैसे वो क्लाउन लोच है, ये कुली लोच है। इसका भी साइज तकरीबन 4 से 5 इंच का होता है और ये भी प्लांटेड फिश होती है, ठीक है। ये है बेबी सिगलेट,
मछलियों में तीन वैरायटीज आती हैं, जैसे कि जैसे दो वैरायटीज होती हैं, गोल्ड फैमिली और सिकलेट फैमिली। ये होती है सिकलेट फैमिली की, ये होती है एंटी गोल्ड, एग्रेसिव फिश होती है। इसका साइज तकरीबन होता है, एक आती है अफ्रीकन सिकलेट, एक आती है अमरीकन सिकलेट। अमरीका सिकलेट का साइज 10 इंच प्लस होता है, अफ्रीकन जाती है 7 इंच के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अभी ये साइज है तकरीबन इंच का, तो उसके जो पेयर है वो 200 डजन 1000, ठीक। ये गप्पी फैमिली की है, गप्पी फैमिली की वैरायटी काफ़ी सारी होती है। ये कहलाती है डम्बो गप्पी, एक होती है कॉमन गप्पी, ये डम्बो गप्पी कहलाती है, ठीक है। इसका पेयर 800 डजन 3600, ठीक। और इसका साइज ऑलमोस्ट 2 इंच प्लस, इसके ऊपर नहीं होता। ये कहलाती है एंजल येलो हेयर रेड आइस। एंजल में भी 3 से 4 वैरायटीज आती हैं, लेकिन ये फैंसी एंजल में आती है, येलो हेयर रेड आइस के अंदर। इसका पेयर है 3000, और उसका भी साइज तकरीबन 4 इंच पे इनफ है। इसी तरह ये भी सिकलेट फैमिली है। अब ये होती है अमेरिकन सिकलेट्स जी, यहाँ वो इस पर लिखा हुआ है, आई लव यू लिखा हुआ है। ये टैटू पैरेट जी, ये इंजेक्ट करी हुई है, टैटू पैरेट है, ये ग्रीन पैरेट है, ये येलो पैरेट है, ये सब पैरेट फैमिली की हैं। ये भी सिकलेट्स हैं, इसका पेयर 3000 और 4000, ठीक। ये भी सिकलेट फैमिली, ये साथ में पीछे देखी, ये उन्हीं के बड़े हैं, ये भी अफ्रीकन सिकलेट्स हैं जी हाँ। इसमें इलेक्ट्रिक येलो है, मोबाना है, येलो लैप है, इलेक्ट्रिक येलो है इसके अंदर। इसका साइज अभी इस तकरीबन जो है 3 इंच 4 इंच है, इसका पेयर है 2000 पर पेयर। ये बेबी गोल्ड फिश है, कैलिको गोल्ड फिश, जैसे आपने गोल्ड फिश देखी थी पीछे, ये उसी की गोल्ड फिश नस्ल है, लेकिन कैलिको गोल्ड। ऐसा फर्क ये होता है कि वो ऑरेंज होती है, ये स्पॉटेड होती है, कलरफुल होती है। अभी इसका साइज है तकरीबन 1.5 इंच का, और उसके प्राइस है 350 का पर पेयर, ठीक। ये भी कार्ब है, ये भी लोकल कार्ब है, हमारी अपनी खुद की फार्मिंग है। साइज तकरीबन इसका ये 3 इंच का, और उसके प्राइस है 300, ठीक। ये है जॉइंट ग्रामी, ये भी सिकलेट फैमिली में आती है। इसका साइज तो 2 फीट तक भी चला जाता है, 24 इंच भी आती है, और बहुत अच्छी मछली है जो लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग टाइम निकालती है। इसमें एक आती है ब्लैक आइस, एक आती है रेड आइस, दोनों मौजूद है मेरे पास। ब्लैक आइस इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये टैंग लेती है बड़ा, हर कोई इसको उतना लाइक नहीं करता, ठीक है ना। इसका जो रेड आइस का पेयर है 2000 और ब्लैक आइस 1500, ठीक। ये इसमें दो टाइप की मछलियाँ, एक ये पड़ी है ड्राफ्ट ग्रामी, एक है ब्लैक गोस्ट। ये ब्लैक गोस्ट है, ये ड्राफ्ट ग्रामी है, ये पैराडाइज ग्रामी है, ठीक है। ये भी गोल्ड फैमिली में से होती हैं। ड्राफ्ट ग्रामी 400 पर पेयर, इसका साइज 3 इंच इनफ। पैराडाइज ग्रामी का भी साइज 3 इंच 4 इंच का होता है, 800 पेयर 1000 पेयर। ब्लैक गोस्ट का साइज तकरीबन जाता है 12 इंच पे, ये बहुत अच्छी फिश है, ठीक है ना। और ये इसका पेयर पड़ेगा 2000 रुपये का जी, ये ब्लैक में आती है, ठीक। ये भी सिकलेट फैमिली है, सिकलेट में तकरीबन 7-8 कलर आते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है रेड आई पिकॉक है, ये मलावी सिकलेट है, ये भी तकरीबन साइज इसका भी 7-8 इंच पे जाता है, इसके पेयर जो है 2000 का पर पेयर है, ठीक। ये शेपिंग है, ये लोकल ब्रीड, बट ये इम्पोर्टेड मछली है, इससे हमने लोकल ब्रीड ले ली है। ये जैसे आप बेबी देखें पीछे, ये समझ लें कि उनके पेरेंट्स हैं, इसी की ब्रीड है पीछे में। तो ये पेयर तकरीबन 3500 रुपये का है, 3500, ठीक है। ये टैट्रा फैमिली है, इसे कहते हैं रेड आइस शॉर्ट बॉडी टैट्रा, ये जो रेड आइस पर है इसे कहते हैं सर्फी टैट्रा, जिसके ब्लैक फिन और रेड टेल है। ये भी टैट्रा फैमिली प्लांटेड है। ये होती है स्कूलिंग फिश, इसका मतलब ये है कि एक साथ ग्रुप में घूमती है ये। इसकी खूबसूरती तभी होती है कि अगर एक टैंक में आप 12 से 24 पीस डालें तो पूरी मछलियाँ एक साथ घूमेंगी ग्रुप के अंदर। तकरीबन इसका साइज भी 3 इंच का होता है, और उसका जो अभी इस पर प्राइस है वो है 600 पर पेयर, पर पेयर, ठीक है जी। असल में टैट्रा फैमिली थोड़ी कॉस्टली होती है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि ये प्लांटेड टैंक की फिश होती है। इसकी लेंथ कितनी होगी, मतलब 3 इंच, इससे बड़ी कोई भी नहीं होगी। इसी तरह इसके अंदर 2 वैरायटीज है, ये आपको थोड़ी दिखेंगी, लाइट थोड़ी ब्लिंक कर रही है, इसे कहते हैं गोल्डन रैम, ये पीछे का ही है, ठीक है ना। इसे कहते हैं जर्मन रैम, ब्लू जर्मन रैम, ये रही इलेक्ट्रिक ब्लू रैम। ये भी बहुत प्लांटेड की समझ लें कि बहुत अच्छी मछलियों में आती है ये, रेयर फिशेज के अंदर जो बहुत कम आती हैं, इनकी ब्रीड भी कम है, इनकी क्वांटिटी भी कम आती है, और काफ़ी कॉस्टली होती हैं। साइज इनका तकरीबन 2 से 2.5 इंच का होगा, और इस वक्त इनके रेट हैं 1200 का पर पेयर। साइज तकरीबन इंच का भी नहीं है, क्योंकि ये होती ही प्लांटेड फिश है, ये बगैर टैंक के अच्छी लगती भी नहीं और चलेगी भी नहीं, ठीक है। इसी तरह आप नीचे देख लें, ये कहलाती है ऑस्कर, ये भी सिकलेट फैमिली है, ये आती है अमेरिकन सिकलेट्स के अंदर, ठीक है। और ये मॉन्स्टर फिशेस के अंदर होती है, ये लाइव ब्रीड होती है, लाइव फूड खाती है।
यानी कि अगर इसके साइज के हिसाब से मछली डाली छोटी तो ये खा जाएगी इसको। अच्छा, ये हाँ फिश फीडर है, मछलियाँ खाती है। इसका भी साइज तकरीबन 12 से 14 इंच वगैरह आता है। इस वक्त इसका साइज है 2 इंच का और उसके रेट है 800 का पकड़। ठीक, ये वही गोल्ड फिश है सर, पीछे देखिए। हाँ ये वही साइज है तकरीबन, इसका साइज अभी 2.5 इंच का है और उसके पेयर जो है प्राइस जो है वो 800 पर पेयर है। ठीक है, ये है डाइनो, ये डाइनोज हैं, ये डाइनोज हैं, इनमें कलर आते हैं। ये बड़ी होती है तो कितनी ही रहती? ये भी तकरीबन 2.5 इंच का साइज, बस 2.5 इंच का साइज होगा। इस वक्त इसका रेट 200 पर पेयर है और 1000 रुपये की दर्जन, यानी कि 1000 की 12 पीस। ये दोनों इसी तरह, ये देख लीजिए आप, ये भी कोई फिश है, ये कहलाती है डायमंड कार्प। ठीक है, इसका भी साइज वही 12-14 इंच का हो जाता है। ठीक है, अभी इसका साइज 2.5 इंच का है और उसके रेट है 400 का पर पेयर। जितनी बड़ी होती आएगी इसका कलर बिल्कुल प्योर वाइट होता जाएगा ये। ठीक, इसी तरह ये गप्पीज हैं, जैसे आपने ऊपर देखी ये डप्पी का डम्बो का, डम्बो का पीस नहीं, ये फीमेल है, ये कॉमन गप्पी की फीमेल है जो आप देख रहे हैं, कॉमन गप्पी की फीमेल है। इसका रेट नॉर्मल है, ये तकरीबन 1200 में डजन है और 300 पर पेयर है। ये कहलाती है क्रेफिश, लॉबस्टर जिसे कहते हैं आप। ये वैसे सेपरेट ही रहता है लेकिन थोड़ी एग्रेसिव फिश इसके अंदर भी चल जाता है। ठीक है ना, और इसका भी साइज तकरीबन 4 से 5 इंच का होता है। अभी तकरीबन 2.5 इंच का साइज है और उसका पेयर है 2500। ठीक, इसी तरह ये भी सिकलेट फैमिली है, ये कहलाती है ज़ेब्रा कॉर्नबेड, ये भी हमारी अपनी फार्मिंग लोकल ब्रीड है हमारी ये। अभी इसका साइज तकरीबन 2.5 इंच का है, इसका जो पेयर है 400 का पर पेयर है। ठीक है, इसी तरह ये देख लें, ये भी गप्पीज हैं, जैसे वो डम्बो गप्पी मेल थे, ये उसके फीमेल है डम्बो गप्पी की। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट वही रेट है। अच्छा, ये है, इसमें दो टाइप्स हैं, एक रेम्बो शार्क, एक सिल्वर शार्क। इसी में दो जी, ये जो देख रहे हैं आप ब्लैक टेल वाली, ये सिल्वर शार्क है, जो रेड टेल है ब्लैक रेड टेल, ये रेम्बो शार्क है। ठीक है ना, इसका पेयर 500 का, इसका पेयर 600 का सिल्वर शार्क का, और ये भी तकरीबन 4-5 इंच का साइज का, और ये गोल्ड फैमिली में होती है सारी। ठीक, ये ब्लैक मोर है, ये भी गोल्ड फैमिली में आती है। इसका तकरीबन अभी साइज इस टाइम है 2.5 इंच का, इसका जो रेट है वो है 1500 का पर पेयर जी। इसका भी साइज वही 5-6 इंच का साइज होता है जी। ये वही जो आपने पहले देखी थी ऊपर पॉलर ब्लू सिकलेट, वही रेट है इसका भी। ये वही टाइगर रोज कर है, इसमें ये देखना, ये डिफरेंट है, ये कहलाती है ग्रीन टाइगर बाल, ये गोल्डन टाइगर बाल, ये ग्रीन टाइगर बाल। टाइगर बाल के अंदर तकरीबन 3 कलर आते हैं, एक आती है ब्लैक टाइगर, ग्रीन टाइगर, गोल्डन टाइगर। ब्लैक टाइगर का पेयर 500 का होता है, ये 800 का पर पेयर है। ये साइज भी तकरीबन 3-2 इंच। ठीक, ये है फ्रोस एंड टेट्रा, इसके अंदर तकरीबन आते हैं 7 कलर। ठीक है, अभी मेरे पास मौजूद है इसमें तकरीबन 3 कलर, पर्पल, ग्रीन एंड ब्लू। इसका भी साइज वही 2.5 से 3 इंच का होगा। अभी इसका साइज तकरीबन 1.5 इंच का, इसका रेट है 400 का पर पेयर, 400 पर पेयर। ठीक, ये भी सिकलेट फैमिली है, जितनी भी देख रहे हैं आप, ये भी वही 7-8 इंच का साइज होता है। और तकरीबन इसका भी रेट 2000, जैसे कि बेबीज हैं 800, ये इससे बड़े साइज हैं लार्ज साइज में 3000 पर पेयर। ये सब एक ही फैमिली की है। कौन सी मांग इससे ज़्यादा इस वक्त? पहले तो सिकलेट की बहुत डिमांड थी पहले, लेकिन सबसे पहले गोल्ड फिश की डिमांड थी। जब लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ की कि सिकलेट फैमिलीज होती हैं और डिफरेंट वराइटीज़ होती हैं, तो ज़्यादा लोग गोल्ड फिश के ऊपर डिपेंड करते थे। जैसे सिकलेट आना शुरू हुई, सिकलेट फैमिली के अंदर कलर आते हैं, वराइटीज़ आती है, तो फिर लोग सिकलेट की तरफ कन्वर्ट हो गए। अब इस वक्त डिमांड हमारे पास है प्लांटेड की, पेट्रास की ज़्यादातर। अच्छा, ये फिशेज में देख रहे हैं, ये कौन सी फिशेज है? ये होती है बीटा फिश, ठीक है ना, ये आपस में फाइट करती हैं। ठीक है, ये एक टैंक में मतलब एक पीस, वैसे तो ये बाउल की फिश है, बाउल के अंदर या छोटे टैंक के अंदर सही रहती है, चलती भी लॉन्ग टाइम है, एक्वेरियम में इसकी इतनी लाइफ होती भी नहीं है, और ये सेपरेट ही रहती है, आपस में लड़ती हैं। तो इनको साथ नहीं रखा जा सकता? नहीं, इनको साथ नहीं, लड़ती हैं आपस में, ये लड़ती हैं। सही, तो ये सबके नाम अलग अलग हैं, ये सब सेम ही? बीटा फिश नाम तो सिर्फ बीटा फिश है, इसके अंदर कैटेगरी आती है, जैसे कैंडी क्वीन बीटा आती है, गैलेक्सी बीटा आती है, क्राउन टेल आती है, हाफ मून आती है, फुल मून आती है, वो उसकी नस्ल पर डिपेंड है। अच्छा, इनके साइजेस यही रहते हैं, ये बड़े हो जाते हैं? साइज इनका बीटा का सेम ही होता है, सिर्फ इसकी जो साइज का फर्क है वो टेल्स और उसके फिन, उसमें फर्क आता है, बाकी साइज बॉडी का सेम ही होता है इसके अंदर। अच्छा, ये कौन सी फिशेज है? ये भी सिकलेट फैमिली है, इसके अंदर ये रेड शोल्डर सेफ्रम है,
सुपर रेड सैफ्रम है, येलो सैफ्रम है इसके अंदर। ये भी सिकलेट फैमिली है, ये भी वही अमेरिकन सिकलेट्स में आती है। इसका भी साइज काफ़ी लॉन्ग हो जाता है, साइज बढ़ता है, बिग साइज में होती है, बट एक्सपेंसिव पेयर है ये, 10,000 पर पेयर है ये। 10,000 पर पेयर। ये भी सिकलेट फैमिली है, बट ये थोड़ी रेयर फिशेज हैं, बहुत कम आती हैं, एक्सपेंसिव बहुत होती हैं। इनके साइज़ इनका तकरीबन 4 से 5 इंच का होता है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है इनके। जैसे इसमें आप ये देख रहे हैं, ये फ्रंटोसा कहलाती है, इसका भी साइज़ तकरीबन 7 इंच 8 इंच पर चला जाता है, और ये इस वक्त इस साइज़ के अंदर 4,000 रुपये का पेयर है। ठीक इसी तरह इसके अंदर ये ट्रॉफिया सिकलेट है, इसके अंदर दो टाइप के ट्रॉफियाज हैं, एक अकोला है, एक मोलिरो है, ये इनके नाम है। इसका भी साइज़ तकरीबन 4 से 5 इंच का होता है, और इस वक्त इसका साइज़ है 1.5 से 2 इंच का। इस वक्त इसके रेट है 8,000 रुपये पर पेयर जी, 8,000 पर पेयर। ठीक है इसी तरह इसमें ये देख रहे हैं, ये डेमासोनी कहलाती है, ये भी रेयर सिकलेट्स में आती है, बहुत कम वैरायटी, बहुत कम इसकी आती है, और डिमांडेड पेशे बहुत ज़्यादा डिमांड है इनकी। अभी इसका साइज़ तकरीबन 3 इंच का है, और उसके प्राइस 4,000 पर पेयर जी। ये मेरा लाइफ टैंक है, ये सब नेचुरल प्लांट्स हैं, लाइव प्लांट लगे हुए, वैरायटी सारी वही अपने अंदर देखिए, टेट्रा की इसके अंदर टेट्रा है, बार्ब है, गपीज हैं इसके अंदर। ठीक है इसके अंदर उसके अलावा सिल्वर टिप टेट्रास मौजूद हैं, जो अंदर 2-4 वैरायटी नहीं है हमारे पास, उसमें ऐड करी हुई हमने। ये पूरा हमारा लाइफ टैंक है, ये हमारा डिस्प्ले टैंक है। नहीं ये सब एक ही फैमिली की है, सब टेट्रा फैमिली है। काफी सारी वैरायटी मुझे एक्वेरियम की नजर आई, तो पूछते हैं कि क्या रेट मौजूद हैं और क्या क्या वैरायटी के पास और मौजूद है। जी मैं देख रही हूँ काफी सारी वैरायटी आपके पास एक्वेरियम की मौजूद है, क्या प्राइसेस हैं इनके? एक्वेरियम जो है वो डिफरेंट प्राइसेस के, डिफरेंट साइज के हमारे पास, लोकल भी हैं, इम्पोर्टेड भी हैं, और लोकल के अंदर हमारे हैंडमेड जो बहुत अच्छे मतलब वैरायटी हमारे पास होती है वो कॉपी है रेड सी की। जो वालेकुम सलाम, क्या नाम है सर आपका? शाकिर अली सिद्दीकी। मैं वैसे तो 23 साल हो गए मगर इस फील्ड में आए हुए 17 साल हो। 17 साल हो गए। अच्छा यहाँ पे आवाम का कैसा आपको रिस्पॉन्स आता है? माशाल्लाह जब हम चाहिए तो दूसरे भी सही। आपने शॉप खोली थी उसके बाद माशाल्लाह 14 शॉप्स ऑन हो चुकी हैं। जी जी जी। अच्छा हमारे व्यूअर्स को कुछ कहेंगे कि आपकी शॉप पे विजिट किया जाए? बस यूट्यूब वाले माशाल्लाह आते हैं लड़के, और मेरा ख्याल है इसी 6 महीने में 8-10 पार्टियाँ आ चुकी हैं माशाल्लाह। आज पहली बार लेडीज को देख रहा हूँ, वैसे मर्द आते। बहुत शुक्रिया सर। कैसा लगा आपको मेरा ये जबरदस्त सा व्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरी हौसला अफजाई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।